ब्रेड विंग कितना नुकसान हुआ है? हमारे सारे सिस्टम्स को भारी नुकसान हुआ है लॉर्ड मेगाट्रॉन। शिप को वापस उड़ाने में थोड़ा वक्त लगेगा मास्टर। साउंड वेव तो एक ऑटोबॉट ने मेरी शिप का ये हाल किया है, तब तो वो इस मौके का फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। वो हम पर सीधे हमला करने की गलती नहीं कर सकते माय लॉर्ड। ऑप्टिमस अब पहले जैसा रहम दिल नहीं रहा, वो जरूर हमला करेगा। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपका फिजिशियन होने के नाते मैं इसकी सलाह नहीं दे सकता। माना डार्क एनर्जॉन में काफी ताकत है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसका शिप पर बुरा असर भी पड़ सकता है। डार्क एनर्जॉन मेरी रगों में है, उसे शिप में डालने से मैं इस पूरी शिप को अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ा पाऊंगा और हम मिलकर खत्म कर देंगे ऑप्टिमस प्राइम को। लेकिन जैसे ही इंसेक्टिकॉन्स वहां से निकल गए, मैं एक सिग्नल का पीछा करते हुए उनके पावर कोर तक पहुंचा और उसे तोड़ दिया। तुमने मेगाट्रॉन की शैतानी शिप को खटारा बना दिया। डिसेप्टिकॉन्स पर हमला करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मेगाट्रॉन की शिप भले ही कमजोर पड़ गई है, लेकिन उसकी फौज पहले से ज्यादा दमदार हो चुकी है, खासकर तब से जब से उसकी फौज में इंसेक्टिकॉन्स भी जुड़ गए हैं। तो फिर मैं उन पर हवाई हमला करवा देता हूँ, या हमें उससे भी ज्यादा असरदार हमला करना होगा एजेंट फाउला। पार्क एक्सट्रैक्टर, ऑप्टिमस, क्या तुम सच में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो? मुझे इस तरह के भयानक हथियार इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं, खासकर जब उसे किसी डिसेप्टिकॉन ने बनाया हो। लेकिन अगर हम इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो शायद यही एक मौका है। हो रहा है ऑप्टिमस, मुझे डिसेप्टिकॉन की क्रैश साइट से मजबूत एनर्जी सिग्नल मिल रहा है। लगता है वो डार्क एनर्जॉन का है। ऑटोबॉट्स, ट्रांसफॉर्म एंड रोल आउट। रुक जाओ प्राइम, अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स को खत्म करने के लिए किसी जोरदार हथियार का इस्तेमाल करने वाले हो, तो अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। ये तो बहुत बड़ी शिप है। ऑप्टिमस, तुम कभी नहीं बदलोगे। बम्बलबी, अभी आसे बल्क है, उन पर हमला करो। स्प
फॉग एक्सट्रैक्टर के एक्टिवेट होने से पहले उसकी रेडियस से बाहर निकल जाना। बम्बलबी, मुझे नहीं पता था इस शिप में स्टेसिस बीम भी है। लगता है बाजी उल्टी पड़ गई। हाँ, वो स्पार्क एक्सट्रैक्टर, मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उसे हासिल करके उन ऑटोबॉट्स को खत्म कर दूं। टीम मुश्किल में है, जल्दी से मदद भेजो। क्या? ये कहाँ जा रहे हो? मुझे नीचे जाना है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, शिप खुद ब खुद चल रही है। तो इसे रोको। हमारा कोई भी कमांड काम नहीं कर रहा। लगता है शिप में अपनी अलग इच्छा जाग गई है। ना मुमकिन, जल्दी से इस तकनीकी खराबी को ठीक करो। सिस्टम को हाथ भी मत लगाना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। चेतावनी? मैं एक मिशन पर हूँ, किसी भी साइबर ड्रोनियन ने मुझे रोकने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं। मेरी अपनी शिप मुझे ही धमकियां दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट आइकॉन के डेटाबेस के कोड्स भी अच्छी तरह और तेजी से सुलझा रही है। उसने एक कोऑर्डिनेट का पता तो लगा भी लिया। और जिस दिशा में ये जा रही है, लगता है ये उसी कोऑर्डिनेट पर जा रही है। मेरी भी यही इच्छा थी। लगता है ये शिप मेरी हर अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहती है। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, वो आयाकॉन के आर्टिफैक्ट सिर्फ मेरे हैं। मैं लॉर्ड मेगाट्रॉन हूँ, मैं तुम्हें रुकने का हुक्म देता हूँ। अब तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। कुछ भी करो, लेकिन इस शिप को किसी भी तरह अपने काबू में करो। ध्यान से सुनो, मेन फ्रेम के पावर को कट कर दो और डेटा कनेक्शन बंद कर दो अभी। ये जिंदा है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा स्टेसिस लॉक कभी नहीं देखा। डिसेप्टिकॉन्स अटलांटिक पार कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम उन्हें ट्रैक कर पा रहे हैं? वो इस बार छुपकर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हमें मार सकते थे, लेकिन वो तो बस गायब हो गए। और तो और, उन्होंने स्पार्क एक्सट्रैक्टर भी वहां छोड़ दिया। अगर शिप छुपके नहीं जा रही
तो उनकी कम्युनिकेशन लाइंस भी खुली होंगी और हाँ हाँ तो क्या करूं, मेगाट्रॉन को कॉल करूं और ये पूछूं कि उसकी शिप में क्या हो रहा है? लॉर्ड मेगाट्रॉन, इसने एक और नए कोऑर्डिनेट का पता लगा लिया है, शायद इसे काम जारी रखने की इजाजत दे देनी चाहिए। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। डिसेप्टिकॉन वॉरशिप में ऑटोबॉट ऑटोपोस्ट से बोल रहा हूं। मेगाट्रॉन, हमें जवाब दो। यहां का मालिक सिर्फ मैं हूं। मेगाट्रॉन अब यहां का मालिक नहीं रहा। तुम कौन हो? क्या डिसेप्टिकॉन की शिप पर तुमने कब्जा कर लिया है? मैं ही वो शिप हूं। किसी भी साइबरट्रोनियन ने मेरे मिशन को रोकने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं। कैसा मिशन? मेरा मिशन है आयाकॉन डेटाबेस को समझना और डिसेप्टिकॉन के हथियार हासिल करना। किस मकसद के लिए? उसने काट दिया? कितना बदतमीज है। क्या कहा तुमने? वो स्पेसशिप डिसेप्टिकॉन के खतरनाक हथियार इकट्ठा करने की बातें कर रही है। वो स्पेसशिप जिसमें डिसेप्टिकॉन्स होश में नहीं है। मतलब आयाकॉन डेटाबेस को डाउनलोड करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ताकि ऑप्टिमस उसका इस्तेमाल कर सके। अच्छा आइडिया है, मैं डिसेप्टिकॉन वॉरशिप में जाने की तैयारी करता हूँ। ये आइडिया खराब है, तुमने देखा नहीं डिसेप्टिकॉन्स का क्या हाल हुआ है? और शायद मेगाट्रॉन का भी और टीम प्राइम का भी। लेकिन मैं उसके सामने खड़ा था और उसने मुझे कुछ नहीं किया। शायद वो शिप इंसानों को देख नहीं सकती। ठीक है एजेंट फाउलर, लेकिन अगर मुझे जरा भी खतरा लगा तो मैं तुम्हें फौरन बुला लूंगा। अब उस डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें एक ट्रांसफर ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की? टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होगा और बैकअप भी। फाउलर टू बेस, हम पहुंच गए। अच्छी बात है, तुम उनके डेटा को किसी भी कंसोल से हासिल कर सकते हो। यहाँ एक है। नॉकआउट सच में आउट हो गया। देखो शिप दो कोऑर्डिनेट्स का पता लगा चुकी है। ओ नहीं, तीन का। चलो जल्दी करें। ये रहा पोर्ट। ये वॉरशिप मैनहट्टन की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट की जगह मैनहट्टन ही है। साइबरट्रॉन का एक रेलिक मैनहट्टन शहर में कैसे पहुंचा? आयाकॉन के रेलिक सदियों पहले अर्थ पर आए थे एजेंट फाउलर, तब उस शहर का वजूद भी नहीं था। इसका मतलब अगर शिप को रेलिक चाहिए तो उसे कुछ बिल्डिंग्स को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये मिशन और मुश्किल होता जा रहा है, इस शिप का रुख कैसे बदलें? उसके नेविगेशन मॉड्यूल को बंद करने से। वहीं पास में उसका बड़ा सा बटन होगा। वहाँ है। रुको मैं बंद करता हूँ। एजेंट फाउलर। सिस्टम को किसने छुआ? मैं ये छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो देखो कौन है, सामने आओ। ये
वो हमें देख नहीं सकता। फिलहाल वो शिप अब तक कार्बन से बने जीवों को स्कैन नहीं कर रहा, लेकिन जल्द ही वो करना शुरू कर देगा। हम नहीं बचेंगे। तुम लोग फौरन वापस आ जाओ। नहीं, न्यूयॉर्क में लाखों लोगों की जान खतरे में है और इस वक्त हम तीनों ही उनकी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जैक। वो शिप इतनी जल्दी ठीक इसलिए हुई क्योंकि मेगाट्रॉन ने उसमें डार्क एनर्जॉन डाला होगा उसे ठीक करने के लिए। एक सेकंड, अगर इस शिप में डार्क एनर्जॉन भरा गया था तो हम उसे निकाल भी पाएंगे, है ना? वॉरशिप के एनर्जॉन इन्फ्यूजर को रिवर्स करके ऐसा कर सकते हैं। ऊपर लगे कॉन्ड्यूएंट्स का पीछा करो, वो तुम्हें पावर कोर तक ले जाएंगे। मेगाट्रॉन को भी यही आइडिया आया था। मतलब ये जरूर काम करेगा। एनर्जॉन इजेक्शन वाल्व को मैन्युअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा। मैन्युअली? मेरी मदद करो। शिप में कुछ एलियंस घुस आए हैं। हम पकड़े गए। जिसने भी रोकने की कोशिश की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भागो। शुक्र है सब ठीक हो गया। रैचेट, जल्दी ग्राउंड ब्रेक शुरू करो। चलिए खड़े हो जाइए फाउलो। क्या मेरे साथ वो जोर से पाई खेलेगा? मैं जोर बनूंगा। अब तक सिर्फ इतना ही डाउनलोड हो पाया? शायद आयाकॉन की फाइल बहुत बड़ी है। खुल गया। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। जैक, फाउलर को यहाँ से ले जाओ।
जितना भी मिला है काम आएगा। मैं ड्राइव को लेकर ही जाऊंगा। मुंह खोलो। तुम डेंटिस्ट नहीं फिजिशियन हो। लॉर्ड मेगाट्रॉन, तुमने इतने कीमती जानकारी को हाथ से कैसे जाने दिया? भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही चार कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा अगर मेगाट्रॉन के पास भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो उन तबाही मचाने वाले हथियारों को जल्द ही हासिल करने की कोशिश करेगा।